बड़ी खबर, उन्नाव आबकारी विभाग को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब विभाग के आबकारी अधिकारी के शुक्ला सदर कोतवाली में लंबे समय से चलाई जा रही एक शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। खास बात तो यह है कि एक फैक्ट्री पुलिस कर्मी के घर संचालित की जा रही थी और मुखबिर की सूचना पर आज विभाग ने लाखों के कच्चे माल समेत दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिस पुलिस कर्मी के घर नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है उस पर भी मुकदमा लिखकर उसे ही मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी। उन्नाव आबकारी अधिकारी के शुक्ला ने बताया कि आज मुखबिर की सूचना पर उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के दरियाई खेड़ा में एक लखनऊ में कार्यरत पुलिस कर्मी के घर छापेमारी की गई, जिसमें शराब बनाने वाला लाखों के कच्चे माल समेत नकली रैपर ढक्कन भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद की गई। अधिकारी ने बताया कि इस कच्चे माल से लगभग 35 लाख की शराब बनाई जा सकती थी। साथ ही साथ इसमें संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। के शुक्ला, जिस पुलिस कर्मी के घर ये गोरख धंधा किया जा रहा था उसे ही मुख्य मुलजिम बनाया गया है, चूंकि वो फरार चल रहा है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये एक वर्ष में उन्होंने पांचवीं शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उन्नाव से प्रभा बाजपेयी की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा सूचना मिल रही थी कि ये आसपास के जगहों पे कई शराब बन रही थी। हम लोगों ने मुखबिरी कराया, अपने द्वारा भी किया, स्थानीय पुलिस के लोग भी इसमें लगे रहे। आज अंतर सफलता हम लोगों को मिली कि ये देख रहे हैं कि दो व्यक्ति पंकज और अंकित गिरफ्तार हुए हैं एक दरियाई खेड़ा के एक मकान से, और भारी मात्रा में इसमें स्प्रिट है जिससे कि कई सौ पेटियाँ बनाई जा सकती थी। कुछ बनी हुई पेटियाँ हैं, कई हजार ढक्कन हैं और उसके बॉटल के लेबल भी हैं और कई हजार खाली बॉटल भी हैं, जिससे लगता था एक बहुत बड़ा काम था। बहुत भारी मात्रा में इससे कई ट्रकों शराब बनाई जा सकती थी, इतना माल यहाँ बरामद हुआ है। तो चोरी छुपे स्प्रिट कहाँ फैलाते थे और कहाँ से उतारते थे, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। बहरहाल इन लोगों को गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में भी पंजीकृत किया जाएगा। डीओ साहब, एक बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे देसी बन रही थी या इंग्लिश बन रही थी? यहाँ पर देसी शराब बन रही थी, अंग्रेजी शराब के ढक्कन भी बरामद हुए हैं और कैरमल बरामद हुआ है, जिससे कुछ भी हो सकता था। अंग्रेजी शराब भी बनाई जा सकती है, क्योंकि अंग्रेजी शराब में भी स्प्रिट कैरमल ही पड़ता है, क्योंकि उनके ढक्कन भी बरामद हुए हैं। इससे लगता था कि अंग्रेजी शराब भी हो सकता है उनके द्वारा बनाई जानी हो भविष्य में, लेकिन अभी तो अंग्रेजी शराब की बनी हुई बोतलें नहीं पकड़ी गई हैं। एक बोतल जो आप ब्लेंडर स्प्राइट देख रहे होंगे, संभवतः वो पुरानी बॉटल है, हो सकता है उसने अपने पीने के लिए रख रखा हो, लेकिन अंग्रेजी शराब के ढक्कन और बोतलें खाली शीशियाँ जरूर बरामद हुई हैं। देसी शराब का निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम। पकड़े गए सामान की कीमत क्या होगी? पकड़े गए सामान का इसे तो हम कीमत निर्धारण नहीं किया सकता। जब इनको कोई पेटिंग बनाता है तो एक ट्रक की कीमत लगभग 30 लाख 35 लाख 40 लाख के आसपास होती है। अब कितनी शराब इस स्पेट से कितना डाइल्यूशन करके और स्पेट लाता है, कितना भारी काम है, ये तो हम अभी जांच पड़ताल करेंगे और बाकी FIR वगैरह होगी, इसके बाद आप लोगों को। ये लगभग कितने समय से काम चल रहा था यहाँ पर? ये काम तो हमें अभी जानकारी मिली, जैसे जानकारी हमें दो चार दिन पहले मिली, हम अपने मुशबिर का जाल बिछाया और निश्चित रूप से कल परसों से बड़ी मेहनत करके हमारे इंस्पेक्टर अरविंद किशोर हैं, उन्होंने पकड़ी। ये पांचवीं फैक्ट्री निरंतर उन्होंने पकड़ी विगत एक साल से, बहुत अच्छा काम उनके द्वारा किया गया, बहुत अच्छा काम है आबकारी के लिए, पुलिस के सबके लिए। ये पुलिस कर्मी का एक मकान इसमें लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, पुलिस कर्मी का जो भी बोर्ड लगा हुआ है वो उसमें लिखा हुआ है पुलिस प्रवर्तन दल लखनऊ। अब पुलिस प्रवर्तन दल लखनऊ का कोई यहाँ लेके किराया पर रहता हो या उसका बोर्ड उसके भाई बंधु किसी ने लगा दिया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो बाद जांच में पता लगेगा कि किसका ये मकान है, कौन नहीं है, लेकिन बहरहाल इस मकान से दो लोग पकड़े गए हैं, उसके बारे में तफ्तीश की। क्या